मोदी डरता है, पुलिस वाले डरता है, मोदी डरता है, पुलिस वाले डरता है। नौकरियों में पर्ची और खर्ची का खेल खत्म करने का दावा करने वाली खट्टर सरकार कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद चौतरफा गिर गई है। पेपर लीक होने के बाद सड़कों पर विरोध की हुंकार सुनाई देने लगी है और जिस तरह से इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार चुप्पी साधे बैठी है, उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है और सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। खाली पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ, जब से ये सरकार आई है कहते तो थे कि पर्ची और खर्ची बंद करेंगे, परंतु इस सरकार के रहते जहां शहरों के अंदर भूमाफिया पहला, इसके साथ 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 भूमाफिया से भी बड़ा स्कैंडल पेपर का स्कैंडल हो गया, पेपर माफिया पैदा हो गए हैं और किस प्रकार से जो लोग उन्होंने पकड़े हैं उन्होंने माना कि हमने पैसे लिए, पैसे लेकर पेपर उस युवा के साथ जिसको रोजगार तो पहले नहीं मिल रहा, कोचिंग लेके खर्चा करके पेपर देने के लिए आया और इनके लोगों द्वारा जो वहाँ पर बैठे हैं पेपर को लीक करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए और जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और तुरंत जो इनका कमीशन एसएससी कमीशन उसको भंग कर देना चाहिए। बेरोजगारी की मार झेल रहे हरियाणा के युवाओं के लिए कांस्टेबल भर्ती एक बड़ी उम्मीद थी, मगर पेपर माफियाओं के आगे युवाओं की यह उम्मीद भी टूट गई। इस पूरे मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है, लेकिन ये पेपर उनके पास कैसे आया, किसने दिए, इस राज पर अभी भी पर्दा पड़ा है, जिसको लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने सड़कों पर उतर आई है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानूनों समेत बदहाल कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। यमुनानगर में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा गद्दी छोड़ो मुहिम की शुरुआत कर दी। वहीं सिरसा, गोहाना और चरखी दादरी में भी कांग्रेसी प्रदर्शनकारी सरकार पर जमकर बरसे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, हर तरफ भ्रष्टाचार, तानाशाही और मजबूरों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस जनता के मुद्दों को सामने लाकर सरकार की पोल खोलने का काम कर रही है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए 9 साल तक जेल में रहा, क्या उसका एहसान ये भुला सकती है हिंदुस्तान की जनता? नहीं भुला सकती। भाजपा के कहने से कोई नेता छोटा या बड़ा नहीं होता, इनके पास अपना कोई नेता नहीं। 9 अगस्त 1942 को आरएसएस ने ये आजादी छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, ये बातें रिकॉर्ड में दर्ज है। आज हम अपनी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर, अपने राहुल गांधी जी के आह्वान पर 9 अगस्त को इकट्ठे हुए हैं ताकि आम जनता को याद करवा सके और इस लुटेरी सरकार को, ये भ्रष्ट सरकार को जो किसानों की नहीं सुनती, जो बेरोजगारों की नहीं सुनती, जो नौकरियों के पेपर लीक करती है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस सरकार को भगाने के लिए, जनता से आह्वान करने के लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। और सभी कांग्रेस जनों का और आपका भी सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन सब से तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में ग्राम सेवा पेपर हुआ, वो आउट हुआ, अभी उसकी 11 और 12 दिसंबर की डेट आई हुई है, वो भी नहीं पता अच्छे से होगा या नहीं होगा। अभी ये कॉन्स्टेबल का पेपर हुआ, सुबह 8:30 बजे से एंट्री स्टार्ट थी, 7 बजे पेपर आउट हो गया था। कोतली तो भी सस्ता बिका था, कोतली 60 रुपये दर्जन के लिए, उससे भी सस्ता, रेडी वाला ले लो सर, इतना सस्ता बिका था। और ये कोचिंग सेंटर वाले दिखा रहे भी, मैं कोचिंग सेंटर वाला उसमें शामिल था, कोचिंग सेंटर वाले की इतनी हिम्मत नहीं सरकार से ऊपर होगी पेपर आउट करवा दी। और वो आंसर की नहीं थी, पेपर था बकायदा हमारे फोन में, पेपर में टिक लगे हुए थे, वो पेपर कहाँ से आउट हुआ, या तो एसएससी पंचकूला से हुआ या फिर जिस कंपनी ने पेपर बनाया वहाँ से हुआ। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जड़ तक जाए, इस समस्या की जड़ तक जाए और इसको खत्म करें। अभी एसआई का पेपर है 29 अगस्त का, उसका भी नहीं पता कैसा। आप पेपर देने गए थे? हाँ जी, पेपर देने गए थे, हमारा 7 तारीख का सुबह ऐसा है, 9 से 10:30 से 12 वाली शिफ्ट में था, तो 8:30 बजे इंटरेस्ट आया। ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ, और हर चौथे महीने पेपर लीक है, ये रिकॉर्ड है ये मेरे पास इस बात का, हर चौथे महीने पेपर लीक हुआ है जब से ये सरकार बनी है। पर मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी बात ये है, आज तक
जिस स्कूल में जिसकी सह से ये पेपर लीक होते हैं ये होते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जहाँ से पेपर आते हैं उन पर क्या कार्रवाई है, करने वाले वो होगी जो सोल्व करा रहे हो तो उस पर होगी, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई है? क्या मिली भगत से सरकार की बगैर पेपर कहाँ से आया, बगैर मिली भगत के पेपर आया कहाँ से, किसने लीक किया, वो कभी पकड़ा गया हो तो सोल्व कराने वाले तो पकड़ लिए, वो पकड़ा गया कितने कितने इस प्रदेश के घोटाले हैं, कितने हैं गिनती नहीं है, मैंने गिना है सारे, एक भी उच्च अधिकारी की किसी की सजा हुई हो, किसी पर कार्रवाई हुई हो वह बताओ, किसी पर कार्रवाई हुई हो, क्योंकि सरकार की सेना हो रही सारे, सरकार की सेना होते सबके अफसरों पर कार्रवाई हो। हरियाणा में ये कोई कांस्टेबल भर्ती का पेपर ही लीक नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप है कि जब से हरियाणा में खट्टर सरकार आई है तब से अभी तक 28 पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवा सालों साल तक कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और जब परीक्षा की घड़ी आती है तो सरकार के रहमो करम पर पनप रहे पेपर माफिया लाखों रुपए खाकर पेपर लीक कर देते हैं और युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य पर पानी फेर देते हैं। नमस्कार साथियों, आखिर में हरियाणा के युवा बच्चों के भविष्य को नीलाम करने की खबर, पुलिस कांस्टेबल के पेपर को सरेआम बेचने की खबर, 30-30, 40-40 लाख रुपया में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर बिक रहे हैं, ये खबर सच साबित हुई। हरियाणा के युवाओं की आवाज बुलंद करने की बात, आखिर में खट्टर सरकार तो दम दबाकर दुबकी रही पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये पेपर खारिज करना पड़ा। आज सुबह हुआ और दोपहर को हुआ, दोनों पुलिस कांस्टेबल के पेपर खारिज कर दिए गए। कल भी जो दोनों सुबह और दोपहर बाद पेपर होने थे वो भी खारिज कर दिए गए। खट्टर साहब, हरियाणा के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए, खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेवार है? दुष्यंत चौटाला जी, क्या ये सब्ज बाग दिखाकर आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं? सच्चाई ये है कि पेपर लीक माफिया के तार हरियाणा के सत्ताधारी सफेद पोशों से जुड़े हैं, उच्च आला अधिकारियों से जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोगों से जुड़े हैं। आई बार पेपर लीक हो जाता है, आई बार FIR दर्ज होती है, 7 साल में एक इंक्वायरी होकर एक माफिया और सरगना और गिरोह को आपने ना पकड़ा ना सजा दिलवाई। क्या इसके मायने ये नहीं कि भाजपा जजप्पा सरकार के तार कहीं ना कहीं शायद पेपर लीक माफिया से जुड़े हैं? हरियाणा के युवाओं से कितना और अन्याय करेंगे खट्टर साहब? पर्ची और खर्ची की ये सरकार, रिश्वत और पेपर लीक की ये सरकार, इसको अब चलता करने का समय आ गया है। ये हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक मामले से साफ है। सामने आइए मुख्यमंत्री जी, वक्तव्य दीजिए, बताइए कौन सा वो सफेदपोश है जो पेपर बेच रहा था, कौन सा वो अधिकारी है जिसके उनसे तार जुड़े हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वो कौन कौन है जो पेपर लीक माफिया का अड्डा बन गया है? इसका जवाब हरियाणा के युवाओं को देना पड़ेगा, नहीं तो हरियाणा का नौजवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। कांस्टेबल पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है, सरकार चुप है, कांग्रेस CBI जांच की मांग कर रही है, युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जीरो टॉलरेंस का ढिंडोरा पीटने वाली खट्टर सरकार जिस तरह से सवालों के घेरे में घिरी है, अब इससे बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।